Swayam Prabha, Digital India, Educated India. मस्कार आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतकों के विचारों से जुड़ी चर्चा के श्रृंखला में आज हम ज्योतिराव गोविंद राव फुले के बारे में बातचीत करेंगे जो कि ज्योतिबा फुले के नाम से सुप्रसिद्ध हैं ज्योतिबा फुले एक ऐसे विचारक हैं जिन्होंने अपने लेखन के माध्यम से ब्राह्मणवाद और जातिवाद पर थिका प्रहार किया और उन्होंने यह कोशिश की कि जो समाज के वंचित तबके हैं जिन्हें वो शुद्ध और अतिशुद्र आ, के रूप में प्रस्तुत करते हैं वो खुद को एकजुट करें जागरूक बनाएं और जो जाति विभाजन और जाति के आधार पर शोषण की पूरी व्यवस्था है उसके खिलाफ़ संघर्ष करें अपने लेखन के माध्यम से अपने राजनीतिक कार्यों के माध्यम से उन्होंने जाति के सवाल को बहुत मजबूती से तो उठाया ही इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं के कल्याण के लिए महिलाओं की भलाई के लिए भी काफ़ी गहरे रूप में काम किया महात्मा ज्योतिराव फुले आ, 11 अप्रैल 1827 में इनका जन्म हुआ और 28 नवंबर 1890 को इनकी मृत्यु हुई एक भारतीय समाज सुधारक समाज प्रबोधक विचारक समाजसेवी लेखक दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे इन्हें महात्मा फुले एवं ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता है सितंबर उन्नीस में इन्होंने महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज नामक संस्था की स्थापना की थी महिलाओं व पिछड़े और अछूतों के उत्थान के लिए इन्होंने अनेक कार्य किए समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान करने के प्रबल समर्थक थे वे भारतीय समाज में प्रचलित जाति पर आधारित विभाजन और भेदभाव के भी विरुद्ध थे और हम इन्हीं के जीवन के बारे में और साथ ही साथ इनके प्रमुख विचारों के बारे में आज गहराई से चर्चा करेंगे हमारी जो पूरी चर्चा होगी उसमें हम सबसे पहले उनके जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे फिर जो दास्ता की एक संकल्पना उन्होंने प्रस्तुत की उसके बारे में हम बातचीत करेंगे उपनिवेशवाद की वो किस रूप में समीक्षा प्रस्तुत करते हैं उस पर हम एक समझ बनाने का प्रयास करेंगे उन्होंने मुक्ति का रास्ता बताया और मुक्ति के मार्ग के रूप में शिक्षा को देखा उसके बारे में हमारी बातचीत होगी जेंडर न्याय के बारे में जो बातें ज्योतिबा फुले ने कही हम उसे समझने की कोशिश करेंगे और उन्होंने आ, समानता का धर्मशास्त्र प्रस्तुत किया उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे इस्लाम ईसाई धर्म और जाति को लेकर जो उनके विचार हैं उसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे और आखिर में हम इनके विचारों के बारे में कुछ आलोचनात्मक पहलुओं को भी समझने की कोशिश करेंगे जैसा कि मैंने पहले आपको बताया महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म अठारह ईस्वी में पुणे में हुआ था एक वर्ष की अवस्था में ही इनकी माता का निधन हो गया था इनका लालन पालन एक बाई ने किया उनका परिवार कई पीढ़ी पहले सतारा से पुणे आकर फूलों के गजरे आदि बनाने का काम करने लगा था इसलिए माली के काम में ये लग गए थे और लोग उन्हें फूले के नाम से जानने लगे ज्योतिबा ने कुछ समय पहले तक मराठी में अध्ययन की और फिर बीच में उनकी पढ़ाई छूट गई और बाद में 21 वर्ष की उम्र में अंग्रेजी की सातवीं कक्षा की पढ़ाई इन्होंने पूरी की इनका विवाह 1840 में सावित्रीबाई फूले से हुआ आ, जो बाद में स्वयं एक प्रसिद्ध समाजसेवी बनी दलित व स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में दोनों पति पत्नी ने मिलकर काम किया वह एक कर्मठ और समाजसेवी भावना रखने वाले व्यक्ति थे ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले एक ऐसे दंपति के रूप में भी समकालीन समय में याद किए जाते हैं जिन्होंने न सिर्फ एक आदर्श पति पत्नी के व्यक्तित्व को सामने रखा बल्कि दोनों लोगों ने मिलकर यह कोशिश की कि जो समाज के वंचित तबके हैं उनके बीच में शिक्षा का प्रसार हो सावित्रीबाई फुले ने स्कूल की स्थापना की और उस स्कूल में जब कोई पढ़ाने के लिए नहीं शिक्षिका मिलती मिली तो खुद सावित्री बाई उन्हें जो महिलाएं थीं जो लड़कियां थीं उन्हें पढ़ाने के लिए गई और इन्हें एक तरह से सामाजिक बहिष्कार का भी सामना करना पड़ा इस काम के लिए तो जो सावित्री बाई फुले और ज्योतिबाई ज्योतिबा फुले हैं वो एक ऐसे दंपत्ति के रूप में याद किए जाते हैं जो पूरी तरीके से समाज परिवर्तन करने वंचित समूहों को उनका अधिकार देने के लिए प्रतिबद्ध था ज्योतिबा फुले ने विधवाओं और महिलाओं के कल्याण के लिए बहुत काम किया इसके साथ ही किसानों की हालत सुधारने और उनके कल्याण के लिए भी उन्होंने काफ़ी प्रयास किए स्त्रियों की दशा सुधारने और उनके शिक्षा के लिए फुले ने 1848 में एक स्कूल खोला यह इस काम के लिए देश में पहला विद्यालय था लड़कियों को पढ़ाने के लिए अध्यापिका नहीं मिली तो उन्होंने कुछ दिन स्वयं यह काम करके अपनी पत्नी सावित्री फुले को इस योग्य बना दिया कुछ लोगों ने आरंभ में आरंभ से ही उनके काम में बाधा डालने की चेष्टा की किंतु जब फुले आगे बढ़ते ही गए तो उनके पिता पर दबाव डालकर पति पत्नी को घर से निकलवा दिया गया इससे कुछ समय के लिए ज्योतिबा का काम रुका अवश्य पर शीघ्र ही उन्होंने एक के बाद एक बालिकाओं के तीन स्कूल खोल दिए निर्धन तथा निर्बल लोगों को न्याय दिलाने के लिए ज्योतिबा ने सत्यशोधक समाज का 1873 में आ, आ, उसको बनाया उनकी समाज सेवा देखकर 1888 में मुंबई की एक विशाल सभा में उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई ज्योतिबा ने ब्राह्मण पुरोहित के बिना ही विवाह संस्कार आरंभ कराया और इसे मुंबई उच्च न्यायालय से मान्यता भी मिली वे विवाह विरोधी और विधवा विवाह के समर्थक थे। महात्मा ज्योतिबा व उनके संगठन के संघर्ष के कारण सरकार ने एग्रीकल्चर एक एक्ट पास किया ब्रिटिश सरकार द्वारा 1883 में स्त्रियों को शिक्षा प्रदान कराने के महान कार्य के लिए उन्हें तत्कालीन ब्र, ब्रिटिश सरकार द्वारा स्त्री शिक्षण के आद्य जनक कहकर गौरवान्वित किया गया ज्योतिबा फुले आ, जो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने पूरे जीवन में इस बात पर ध्यान दिया इस बात के लिए संघर्ष किया कि कैसे जो आ, दलित तबके हैं जो वंचित तबके हैं उनके भीतर शिक्षा का प्रसार हो और जो पूरा का पूरा एक जातिगत असमानता का एक जो ढांचा बना हुआ है लोग उसके बारे में जागरूक हों आलोचनात्मक तरीके से उसके बारे में विचार करें और उस पर प्रश्न खड़े करें तो वो एक ऐसे चिंतक और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में सामने आते हैं जिन्होंने अपने जीवन भर में समाज सुधारने के माध्यम से देश सेवा का काम किया और वो उस दौर में खासतौर पर अस्सी के दशक में जो एक राष्ट्रवादी राजनीति चल रही थी उसमें सीधे तौर पर सम्मिलित नहीं हुए और आ, हम यह देख सकते हैं कि आ, जो बाल गंगाधर तिलक की राजनीति थी या जो नरमपंथी कांग्रेसियों की राजनीति थी वो उससे दूर रहें लेकिन एक दूसरे स्तर पर उन्होंने समाज के कुछ बुनियादी मुद्दों को उठाएं और उन मुद्दों के माध्यम से देश और समाज को बेहतर बनाने का काम किया अपने जीवन काल में उन्होंने कई पुस्तकें लिखीं जिसमें गुलामगिरी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है इसके अलावा तृतीय रत्न छत्रपति शिवाजी राजा भोसला का पखड़ा किसान का कोड़ा अच्छुत की कैफियत जैसी कुछ किताबें इनकी काफ़ी प्रसिद्ध रही हैं गुलामगिरी विशेष रूप में प्रसिद्ध रही है क्योंकि अभी भी इस किताब को काफ़ी ज़्यादा पढ़ा जाता है और यह माना जाता है कि इस किताब के माध्यम से उन्होंने एक तरीके का मैनिफेस्टो रखा है कि कैसे हम समझ सकते हैं कि जो पूरी की पूरी ब्राह्मणवादी व्यवस्था काम करती है कैसे वह जो गैर-ब्राह्मण जातियाँ और विशेष रूप से पिछड़ी जातियाँ हैं या जो दलित तबके के लोग हैं उनको यह दबाकर इसमें रखा जाता है उनका विकास नहीं होने दिया जाता है तो ग़ुलामगिरी पर अभी भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा होती रहती है दास्ता की पड़ताल बहुत ही एक महत्वपूर्ण अवधारणा के रूप में ज्योतिबा फुले के लेखन में आती है और वे जो पूरी की पूरी जो दास्ता की स्थिति है उस उसके प्रतिरूप को वो जाति व्यवस्था के रूप में देखते हैं ब्राह्मणवादी व्यवस्था के रूप में देखते हैं और वो ये कहते हैं कि ब्राह्मणों का प्रभुत्व तथा शूद्रों और अतिशूद्रों की स्थिति जो है उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और उसी को चिंतन का केंद्र बनाने की के आवश्यकता है वे यानी कि ज्योतिबा फुले जाति को दास्ता के रूप में देखते हैं और यह मानते हैं कि यह अमेरिका और अमेरिका में अफ्रीकियों की दास्ता जितना ही क्रूर है भारत में भी यह जीत और अधीनता पर आधारित है लेकिन इसके साथ एक धार्मिक भ्रम भी जुड़ा हुआ है अपनी पुस्तक गुलामगिरी में उन्होंने इस बात पर बल दिया कि आर्य पश्चिम और मध्य एशिया से आए यहाँ जीत हासिल कर उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को अपना गुलाम बना लिया हालांकि यह बात विवादित मानी जाती है लेकिन उनका जो मुख्य जोर था वो इसी बात पर था कि जिन लोगों ने हिंदुस्तान में जाति व्यवस्था का प्रसार किया जिन लोगों ने हिंदुस्तान को ऊंचे और नीचे इन दो तबकों में बाँटा जहां पर उच्च स्तर पर ब्राह्मणों ने अपने अपने स्थान को बनाया वह पूरी की पूरी व्यवस्था बनाने वाले लोग बाहर से आए थे आर्यों को उन्होंने बाहर से आने वाला घोषित किया और इस बात पर जोर दिया कि असल में ये जो पूरी की पूरी जाति व्यवस्था है वो हिंदुस्तान के मूल निवासियों को दास बनाने का षडयंत्र था उनके अनुसार पिछले तीन वर्षों से ब्राह्मण शूद्रों और अति शूद्रों को गुलाम बनाकर रखा है फुले ने ब्राह्मणवादी ग्रंथों का विखंडन करते हुए दिखाने का प्रयास किया कि असल में देव और दैत्य का संघर्ष बाहरी आक, ब्राह्मण आक्रमणकारियों तथा भारत के मूल निवासियों के संघर्ष को दिखाता है और उन्होंने यह भी कहा कि तीन हज़ार से भी ज़्यादा वर्षों से जो ब्राह्मण हैं उन्होंने शूद्रों और अतिशूद्रों को अपने नियंत्रण में रखा है और ब्राह्मणों ने लोगों को नियंत्रित करने के लिए धर्म ग्रंथों के माध्यम से जाति व्यवस्था और अमानवीय नियमों की श्रृंखला स्थापित की इसी कारण कम संख्या में होने के बावजूद ब्राह्मण शूद्रो और अति अतिशूद्रो पर अपना नियंत्रण कायम रख पाए तो एक तरीके से ज्योतिबा फुले का जो पूरा विचार है उसमें वो धर्म ग्रंथों को भी प्रश्नांकित करते हैं और वो ये कहते हैं कि जो ब्राह्मणों का नियंत्रण है या ब्राह्मणों की जो सर्वोच्चता है उसके पीछे जो मुख्य कारण है वह यह है कि उन्होंने धर्म ग्रंथों के माध्यम से एक तरीके से जो शूद्र हैं या अतिशुद्र हैं उनके मस्तिष्क पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है इसके कारण से वो अपने शोषण को भी आ, अपना शोषण नहीं समझ पाते हैं और वो चूँकि उनके दिमागों पर वो हावी हो चुके हैं तो उन्होंने इन्हें इतना कमज़ोर कर दिया है कि वे ब्राह्मणों के वर्चस्व को चुनौती नहीं दे पाते हैं फूले ने यह कहा कि यदि कभी ब्राह्मणों के वर्चस्व को चुनौती भी मिली तो उसे धर्म में थोड़ा बहुत सुधार करके और हिंसा का रास्ता अपनाकर कर कर दिया गया इस संदर्भ में वे गौतम बुद्ध द्वारा चलाए गए बौद्ध धर्म का उदाहरण देते हैं बौद्ध धर्म की दीक्षाओं को शंकराचार्य ने दार्शनिक स्तर पर हिंदू धर्म में समाहित कर लिया और शासकों ने हिंसक साधनों को अपनाकर बौद्ध धर्म को भारत से तकरीबन बहिष्कृत कर दिया और ये जो एक पूरा इतिहास ज्योतिबा फुले रेखांकित करते हैं उसमें प्रमुख बात यही आती है कि अलग अलग समय पर जब भी ब्राह्मणों के वर्चस्व को वैचारिक स्तर पर चुनौती मिली तो उसे दबाने के कई तरीके ढूंढ लिए गए कई बार उसे दार्शनिक स्तर पर जो चुनौती सामने आई उसको दबाया गया और कई बार हिंसा का सहारा लिया गया और कई बार दोनों रास्तों को अपनाया गया और निश्चित रूप से हिंदुस्तान में अपने देश में बौद्ध धर्म के उदय और उसके पतन पतन इस अर्थ में कि बहुत ही अल्प संख्या में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रह गए अगर हम उसके इतिहास को देखें तो यह दोनों ही बातें बहुत ही मजबूती से उभर कर सामने आती हैं और बौद्ध धर्म ने ब्राह्मणवाद को नकारा हर प्रकार के ऊंच नीच को नकारा और एक बड़ी चुनौती ब्राह्मणवादी व्यवस्था के सामने प्रस्तुत की लेकिन ज्योतिबा फुले यह कहते हैं कि इस पूरी चुनौती को नेस्ता नाबूद करने में और प्रभावी बनाने में ब्राह्मणों को काफ़ी सहायता मिली और इस संदर्भ में वो ब्राह्मणों के द्वारा किए गए हिंसा को और कुछ हद तक थोड़े बहुत सुधार को भी रेखांकित करते हैं फुले यह कहते हैं कि शूद्रों और अति शूद्रों पर होने वाले अत्याचारों का एक बड़ा उदाहरण यह है कि कैसे उनकी छाया ब्राह्मणों पर पड़ जाने पर भी उनकी पिटाई की जाती थी शूद्रों ने न सिर्फ अपनी इस स्थिति को स्वीकार कर लिया बल्कि कई बार उन्होंने उन लोगों का ही विरोध किया जिन्होंने उन्हें इस बुरी स्थिति से निकालने की कोशिश की कुल मिलाकर ब्राह्मणों ने शूद्रों को अज्ञानी रखकर और धर्म की विचारधारा के माध्यम से अपना नियंत्रण रखा है और इस संदर्भ में जिस बिंदु पर ज्योतिबा फुले जोर देते हैं वह उस दास की मानसिकता पर भी आ, हम सब लोगों का ध्यान खींचते हैं यानी कि पहले स्तर पर आ, लोगों को जीत कर उनको दास बनाया गया जो मूल निवासी थे उन्हें शूद्र और अतिशूद्र का दर्जा दिया गया ब्राह्मणों के वर्चस्व को स्थापित किया गया दूसरे स्तर पर धर्म की विचारधारा को थोप कर उस नियंत्रण को और मजबूत बनाया गया और तीसरे स्तर पर जब भी कोई चुनौती मिली तो धर्म की उस विचारधारा में थोड़े बहुत परिवर्तन करके और तलवार के वर्त पर उस चुनौतियों को खत्म किया गया और जो एक दास मानसिकता होती है उसको पूरी तरीके से शूद्रों और अतिशूद्रो पर इस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से स्थापित कर दिया गया और फुले के हिसाब से फुले का मानना है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है वो इतनी ज़्यादा प्रभावी रही है कि जो शुद्ध और अतिशुद्र हैं वो एक दास मानसिकता का शिकार हो चुके हैं जिसमें उन्हें जो चीज़ अन्यायी है जो चीज़ असमानता से भरी हुई है वह स्वाभाविक लगने लगती है और फुले यह कहते हैं कि इसका नतीजा यह होता है कि कई बार जब कुछ लोग इन लोगों को यानी कि शूद्र अतिशूद्रों को उनके अधिकारों के बारे में उनके साथ हो रहे शोषण के बारे में ब्राह्मणवादी अत्याचार के बारे में धर्म ग्रंथों के भीतर लिखी गई बातों के दोमुहेपन के बारे में बताते हैं तो वो उन्हीं लोगों को अपना दुश्मन मानने लगते हैं और आ, अगर हम फूले की इस पूरी चर्चा को देखें तो समकालीन समय में भी इसकी प्रासंगिकता हम देख सकते हैं लेकिन फूले कुल मिलाकर यह बताना चाहते थे कि यह जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है जिसके सर्वोच्च शिखर पर ब्राह्मण हैं वो और कुछ नहीं है बल्कि दास्ता की एक प्रणाली है और इस संदर्भ में उन्होंने उपनिवेशवाद की भूमिका की भी बड़ी ही अच्छी समीक्षा प्रस्तुत की अच्छी इस अर्थ में कि वह लीक से हटकर समीक्षा के रूप में सामने आती है और जो पूरी की पूरी एक राष्ट्रवादी चेतना विकसित हो रही थी या हिंदू धर्म के आ, में आ, सुधार करके इसे और जागरूक और बेहतर और लड़ाकू बनाने की जो कोशिश हो रही थी मिसाल के तौर पर आर्य समाज के द्वारा या फिर विवेकानंद के द्वारा उनके बरक्स यहाँ मुक्ति के रास्ते के रूप में उपनिवेशवाद को भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर या एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है फुले यह कहते हैं फुले की जो चिंता थी आ, वो ये मानकर चलते हैं कि वो ब्रिटिश उपनिवेशवाद नहीं है उनका यह कहना है कि ब्राह्मणवादी उपनिवेशवाद ही चिंता का मुख्य विषय है ब्रिटिश उपनिवेशवाद का मतलब हम सब जानते हैं कि कैसे आ, अंग्रेजों ने हमारे देश को ग़ुलाम बनाया और यहाँ के जो सारे संसाधन थे या अंग्रेजों की जो सारी नीतियाँ थीं उन सब के केंद्र में अंग्रेजों का हित था और जो बाकी सारे समूह थे बाकी सारे समुदाय थे वो एक असमानता विपन्नता शोषण और दोहन की स्थिति में रहें उसी तरीके से फुले यह कहते हैं कि ब्राह्मणवादी उपनिवेशवाद की भी स्थिति रही है ब्राह्मणवादी उपनिवेशवाद के केंद्र में ब्राह्मणों का हित है और बाकी सारे जो समुदाय हैं जो समूह हैं वो उसके साधन मात्र हैं उनके हितों की उनके सुख की उनके जीवन की आकांक्षाओं की कोई अहमियत नहीं है और इस लिहाज से जो फुले का जोर है वो ये है की जरूरत है ब्राह्मणवादी उपनिवेशवाद का टक्कर लेने की उसका मुकाबला करने की वे यहाँ तक मानते हैं कि जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद है उससे ब्राह्मणवादी उपनिवेशवाद को लड़ने में सहायता उस में से लड़ने से सहायता मिलेगी यानी कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद लोगों की यह मदद कर सकता है जो वंचित समूह के लोग हैं कि वो इसके माध्यम से ब्राह्मणवादी उपनिवेशवाद का मुकाबला करें अपने लेखन में वो बार बार औपनिवेशिक शासन के बजाय औपनिवेशिक अधिकारियों और ब्राह्मणों के षडयंत्र की बात करते हुए ब्राह्मणों की आलोचना करते हैं सभीत कार्य असुत में वे किसानों की बुरी स्थिति का उल्लेख करते हैं किंतु इसकी पूरी जिम्मेदारी अंग्रेज अधिकारियों पर डाल देते हैं कि प्रशासन के लिए अधीनस्थ अधिकारियों पर निर्भर हैं उन्होंने किसानों पर टैक्स के बढ़ते बोझ पर भी गहरी चिंता जताई और कहा कि कोई भी अधिकारी गरीब किसानों की दुर्दशा समझने के लिए तैयार नहीं है उनके अनुसार पेशवा काल के बाद ब्राह्मणों ने खुद को अंग्रेजी प्रशासन से जोड़ लिया और अपनी वर्चस्वशाली स्थिति कायम रखी फुले ने औपनिवेशिक शासन के दौरान शूद्रों और अतिशूद्रों की स्थिति का वर्णन किया है वे इनकी बुरी स्थिति के लिए औपनिवेशिक शासन के बजाय प्रशासन में घुस चुके ब्राह्मणों और बड़े अंग्रेज अधिकारियों की उदासीनता को जिम्मेदार मानते हैं इस संदर्भ में फुले ने वन संसाधनों पर औपनिवेशिक राज्य के कब्जे और वन विभाग की गतिविधियों का भी उल्लेख किया है हालांकि गुलामगिरी में वे यह भी लिखते हैं कि अंग्रेजी साम्राज्य का अस्तित्व हमेशा नहीं रहेगा वे शूद्रों और अतिशूद्रों का आह्वान करते हैं कि वे जल्द से जल्द खुद को ब्राह्मणवादी उपनिवेशवाद से मुक्त कर लें वे यह भी कहते हैं कि किसान जिस दिन शिक्षित होकर ज्ञान प्राप्त कर लेंगे अंग्रेजों को देश छोड़ना पड़ेगा गिल ओमविट ने यहाँ पर इस संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है गिल ओमविट का यह मानना है कि फुले बहुत से गैर ब्राह्मण नेताओं के विपरीत अंग्रेज राज के प्रति पूर्ण समर्पण नहीं दिखाते हैं और वे इसे आर्थिक संदर्भ में विनाशकारी मानते हैं हालांकि वे यह मानते हैं कि यह एक ऐसा सांस्कृतिक आधार तैयार करता है जिससे आम लोगों को मुक्ति मिल सकती है तो अगर हम ज्योतिबा फुले के उपनिवेशवाद संबंधी विचारों को देखें तो उसमें एक स्पष्टता भी दिखती है और वह स्पष्टता यह है कि वे उपनिवेशवाद को ब्रिटिश उपनिवेशवाद को बिल्कुल ही बुरा मानकर चित्रित नहीं करते हैं वे यह कहते हैं कि जो शूद्र हैं अतिशुद्र हैं समाज के जो विपन्न तबके हैं जो शोषित तबके हैं उनके लिए मुख्य खतरा ब्राह्मणवादी उपनिवेशवाद हैं जिसके अर्थ के बारे में मैंने कुछ समय पहले आपको बताया फिर उनका यह कहना है कि जो उपनिवेशवाद के भीतर जो समस्याएं हैं वो इससे इनकार नहीं करते समस्याएं हैं और वो इस संदर्भ में वनों के का उल्लेख करते हैं किसानों पर बढ़ते टैक्स का उल्लेख करते हैं और उनका यह कहना है कि इन समस्याओं का मुख्य कारण ब्रिटिश उपनिवेशवाद को नहीं माना जा सकता बल्कि जो अधिकारी हैं जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के भीतर काम कर रहे हैं वो इसके लिए ज़िम्मेदार हैं और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो ब्राह्मण पहले पेशवा शासन में आ, अच्छे अच्छे पदों पर थे वो अंग्रेजों के आने के साथ ही बहुत ही चुपके से शांत तरीके से प्रशासन में घुस गए उन्होंने अंग्रेजों से अपने आप को जोड़ लिया और इसके कारण से ये लोग भी बार 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 इस तरह की समस्याएं पैदा करते हैं कि जो भी उपनिवेशवाद की कुछ सकारात्मक बातें शूद्रों और अतिशूद्रों तक पहुंच सकती हैं वो ना पहुंच पाएँ और इसके कारण से वो उपनिवेशवाद की इन अधिकारियों की आलोचना करते हैं लेकिन इसके साथ ही साथ वो दो प्रमुख बातें और कहते हैं पहली बात वो यह कहते हैं कि जो शूद्र हैं और जो अतिशूद्र हैं उनको उन्हें अपने शोषण से निकलने का एक बहुत मजबूत आधार इस ब्रिटिश उपनिवेशवाद से मिल सकता है और दूसरी बात जिस पर वो जोर देते हैं वह यह है कि जो शूद्र और अतिशुद्र हैं अगर वो अपने आप को मजबूत कर लेते हैं अगर वो अपने आप को शिक्षित कर लेते हैं ख़ासतौर पे जो किसान अगर अपने आप को शिक्षित कर लें तो अंग्रेजों को खुद ब खुद भारत छोड़ना पड़ेगा तो इस लिहाज से उपनिवेशवाद की जो उनकी पूरी समीक्षा है उसमें वो उपनिवेशवाद को एक ऐसे अवसर के रूप में प्रस्तुत करते हैं जिसका इस्तेमाल करते हुए भारत के शुद्र और अति शूद्र यानी कि जो विपन्न समूह है जो शोषित समूह हैं वो अपने लिए मुक्ति का रास्ता तैयार कर सकते हैं इसे वो एक अवसर के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं और वो ये मान कर चलते हैं कि जो उपनिवेशवाद है वो हमेशा रहने वाला नहीं है अगर किसान शिक्षित हो जाए सशक्त हो जाए तो वो अंग्रेज जो हैं वो देश को छोड़कर चले जाएंगे तो इस रूप में उनका पूरा उपनिवेशवाद का एक जो परीक्षण है वो सामने आता है फुले इसके साथ ही मुक्ति के रास्ते की भी बात करते हैं फुले ने पिछड़े और वंचित तबकों को ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मण ग्रंथों के प्रभाव से निकालने के लिए दो स्तरीय रणनीति अपनाई पहला उन्होंने ग्रंथों का विश्लेषण करके यह दिखाने का प्रयास किया कि कैसे इनके अलग अलग जो इनकी बातें होती हैं उसमें ब्राह्मणों के वर्चस्व को कायम रखने और शूद्रों तथा अतिशूद्रों को अधीनता की स्थिति में रखने का प्रयास किया गया है दूसरा उन्होंने हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों की अपने तरीके से व्याख्या की उनके देवी देवताओं की निंदा की और यह दिखाने का प्रयास किया कि असल में वे शूद्रों को गुलाम बनाने के लिए काम कर रहे हैं वे हिंदुओं की विविध अवतारों को ब्राह्मण योद्धाओं की संज्ञा देते हैं जिन्होंने धूर्तता से क्षूद्र शासकों को पराजित किया मसलन वे विष्णु के अवतार वामन को एक ब्राह्मण योद्धा मानते हैं जिसने छल कपट से शूद्रों के प्रसिद्ध राजा बाली को हराया इसी तरह वे विष्णु के अन्य अवतार परशुराम की भी निंदा उनके अत्यंत हिंसक व्यवहार के कारण करते हैं और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास फूले का था क्योंकि जैसे मैंने पहले आपको बताया कि फूले यह मान कर चलते हैं कि जो जाति व्यवस्था है जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है वह लोगों के दिमाग में इतनी ज़्यादा गहरे स्तर तक जड़ जमा चुकी है कि वे अपनी दासता की स्थिति को भी पसंद करने लगे हैं और अगर कोई उनके खिलाफ बोलता है तो वो उसे ही अपना दुश्मन मानने लगे हैं और यहाँ पर विशेष रूप से वो शूद्रों और अतिशूद्रो की बात करते हैं लेकिन जो फूले का प्रयास है वह है इसकी जड़ पर हमला करना क्योंकि फूले ये मानते हैं कि इसकी जड़ यह है कि ये जो असमानता की जो पूरी का जो पूरा ढांचा है उस उसको जो सबसे ज़्यादा जड़ जहाँ मजबूत है वह है धार्मिक ग्रंथों में जहाँ पर अलग अलग तरीके के दैवीय चरित्रों का आ, को प्रस्तुत किया गया है ये दैवीय चरित्र जो हैं वो लोगों के दिल में इतने गहरे तक बसे हुए हैं कि इनके द्वारा या इनके माध्यम से जो कहानी सामने आती है जो सामाजिक व्यवस्था सामने आती है जो पुरुषों और स्त्रियों का की भूमिका सामने आती है ये जो विभिन्न जातियों की भूमिका सामने आती है उसे लोग स्वाभाविक रूप से गहरे स्तर पर स्वीकार कर चुके हैं इसलिए फुले ने जो बड़ा काम करने की कोशिश की उन्होंने इन धार्मिक ग्रंथों की ऐसी व्याख्या प्रस्तुत की जिसमें उन्होंने ये दिखाया कि असल में ये जो बड़े बड़े अवतार हैं ये जो पूज्य चरित्र हैं हिंदुओं के भीतर वो असल में ब्राह्मणवादी योद्धा हैं और उनका जो मुख्य लक्ष्य है वह है कि जो दक्षिण के लोग हो सकते हैं या जो गैर-ब्राह्मण लोग लो हैं उन पर जीत को दिखाया जाए और इस संदर्भ में वे वामन अवतार का उदाहरण देते हैं और इसमें वो जो बाली राजा थे उनकी कहानी की तरफ आते हैं जिस पर अभी हम कुछ समय बाद बात करेंगे लेकिन एक और उदाहरण वो पर, जो विष्णु का अवतार माने जाते हैं वो परशुराम की बात करते हैं और वो परशुराम की काफ़ी तीखे शब्दों में निंदा भी करते हैं क्योंकि वो एक हिंसक चरित्र के रूप में सामने आते हैं जिन्होंने अपनी माता का वध किया था और जिनके बारे में बार बार यह कहा जाता है कि उन्होंने कई बार पूरी धरती से क्षत्रियों का सर्वनाश कर दिया तो ये जो एक हिंसा है उसको वो इस रूप में प्रस्तुत करते हैं कि ये एक आदर्श चरित्र नहीं है और ये एक ऐसा चरित्र है जिसके माध्यम से हिंसा को सही साबित किया गया है और कई बार जो गैर ब्राह्मण हैं उनकी हत्या को भी सही बताने की कोशिश की गई है फुले अपने बचपन में टॉमस पेन से काफ़ी प्रभावित थे जो कि पश्चिम के एक दार्शनिक थे और यहाँ पर जब वो अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं तो वामन और बाली राजा की जो कहानी थी उसमें जो प्रसिद्ध चिंतक थॉमस पेन हैं उनको उनको वो कहते हैं कि जो उनके अनुयायी उनके जो पूर्वज हैं वो बाली राजा के अनुयायी हैं यहाँ पर कई बार हमें भोले के वर्णन में इतिहास की या धार्मिक ग्रंथों की एक मनमानी व्याख्या भी लग सकती है ऐसा लग सकता है कि आ, जो फूले हैं वो बहुत खींच तान कर इतिहास को इस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं कि उससे उनकी राजनीति को एक मदद मिले लेकिन ये व्याख्याएं महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इसके माध्यम से कम से कम हम यह समझ सकते हैं कि ज्योतिबा फुले क्या करना चाहते थे वो कहाँ चोट करना चाहते थे और उनकी जो एक गठजोड़ बनाने की अन्य वंचित समूहों से जो नियति थी उसका स्वरूप क्या था तो वो ये कहते हैं पहली बात तो कि जो टॉमस पेन एक फिलोसफर हैं उनके पूर्वज जो बाली राजा के अनुयायी हैं दूसरी बात वो ये कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट जो थे वो पश्चिम के बाली राजा थे और वो ये कहते हैं कि मिशनरियाँ भारत में ब्राह्मणों का राज खत्म करने और शूद्रों को मुक्ति प्रदान करने के लिए आई हैं और यहाँ पर जब जब वो ये वामन अवतार की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि असल में वामन ब्राह्मण ब्राह्मणों के योद्धा के रूप में सामने आए और उन्होंने जो शूद्रों के जो राजा थे उनकी दानशीलता की परीक्षा ली और एक तरीके से उनकी सरलता और दानशीलता का लाभ उठाकर उन्हें अपना गुलाम बना लिया और बार बार उनका कहना है कि इस तरह की कहानियों में यही दिखाया जाता है कि जो दैवीय अवतार हैं जो ब्राह्मणों के मूलतः युद्धा थे वो शूद्रों और अतिशूद्रों के राजाओं को भले ही वो बहुत अच्छे हों उनको पराजित करते हैं और उसके माध्यम से जो ब्राह्मण हैं उनकी जीत का उनकी जीत की एक पूरी तस्वीर प्रस्तुत की जाती है इन ग्रंथों में और वो ये कहते हैं कि जो मिशनरियाँ आई हैं यानी कि जो ब्रिटिश उपनिवेश का जो स्वागत वो करते हैं उसमें वो इस बात पर जोर देते हैं कि जो अंग्रेज आए हैं और उनके साथ जो ईसाई मिशनरियाँ आई हैं वो असल में एक तरीके से शुद्रों की भलाई के लिए काम करने वाले लोग हैं और उनका यह कहना है कि जो ब्राह्मण हैं वो शूद्रों को अंग्रेज़ों के खिलाफ भड़काकर कर फिर से उन्हें धोखा देने का काम कर रहे हैं और यह एक तरीके से आ, उस समय जो अलग अलग तरीके के आंदोलन चल रहे थे और बाद में जो कांग्रेस का गठन हुआ आ, उन सब के खिलाफ एक तीखी टिप्पणी लगती है क्योंकि इन सब में सीधे तौर पर आ, अगर अंग्रेजों की आलोचना नहीं की गई तब भी यह माना गया कि बुनियादी रूप से जो अंग्रेजों का शासन है जो उपनिवेशवादी शासन है वो हिंदुस्तान के लिए हिंदुस्तान के लोगों के लिए बहुत ही घातक है और इस संदर्भ में अगर हम बाल गंगाधर तिलक के कार्यों और उनके प्रयासों की ज्योतिबा फुले के तर्कों से तुलना करें तो बिल्कुल ही दो अलग अलग ध्रुवों पर खड़े लोग मिलते हैं जहाँ बाल गंगाधर तिलक इस बात पर जोर दे रहे थे कि उपनिवेशवाद के प्रति लोगों के भीतर एक जागरूकता आनी चाहिए और वो वेदांत दर्शन को आगे बढ़ा रहे थे वेदों के माध्यम से वो राष्ट्रवाद को सामने लेकर आ रहे थे वही ज्योतिबा फुले आ, कई ऐसे ही अन्य लोगों के खिलाफ अपने तर्क को प्रस्तुत करते हुए नज़र आते हैं चाहे वो विवेकानंद के तर्कों को हम लें या फिर हम दूसरे कई अन्य विचारकों को ले सकते हैं उनके बरक्स आ, अगर ज्योतिबा फुले के विचारों को देखा जाए तो वो पूरी तरीके से वेदों को तैवीय अवतारों को इनका खंडन करते हैं उनका जोर किस बात पर है उनका जोर इस बात पर है कि जो शुद्र हैं जो अति शूद्र हैं वो अंग्रेजों को ईसाई मिशनरियों को अपने मुक्तिदाता के रूप में देखें और अगर वो इन्हें अपने मुक्तिदाता के रूप में देखते हैं तो वो इस अवसर का फ़ायदा उठा सकते हैं ब्राह्मणवादी उपनिवेशवाद को ख़त्म करने पे, लेकिन वो ज्योतिबा फुले इन्हें सचेत करते हैं कि ब्राह्मण फिर से यह प्रयास कर रहे हैं कि वे उनके इस अवसर को अपने पक्ष में इस्तेमाल कर लें और इसीलिए वे इन शूद्रों और अतिशूद्रों को अंग्रेजों के खिलाफ भड़का रहे हैं तो दो तरीके की भूमिका ब्राह्मणों की रेखांकित करते हैं ज्योतिबा फुले एक वो कहते हैं कि खुद ये लोग अंग्रेजों के प्रशासन में घुस गए और अंग्रेज़ों के कई सुधारवादी कार्यों का भट्टा बिठाने का काम कर रहे हैं और दूसरा जो विरोध का काम है अंग्रेजों का वो भी इनके द्वारा किया जा रहा है और इसके माध्यम से ये शूद्रों और अतिशूद्रों को इस अवसर से वंचित करने का प्रयास कर रहे हैं आ, अंग्रेजी शासन की कुछ कमियों को रेखांकित करते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले बताया वो वन आ, में जो स्थिति है उसकी आलोचना करते हैं कि कैसे लोगों को वन संसाधनों से वंचित किया जा रहा है वो किसानों पर टैक्स की आलोचना करते हैं लेकिन इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी वो ब्रिटिश अधिकारियों पर डाल देते हैं और वो ये चाहते हैं कि जो अंग्रेजों का राज है वो कायम रहे और वे इस शासन से यह मांग करना चाहते हैं मांग करते हैं कि वे शूद्रों और अतिशूद्रों की भलाई के लिए काम करें वे यह अनुशंसा करते हैं कि और यह काफ़ी एक रेडिकल अनुशंसा मानी जा सकती है कि सरकार को हर गांव में एक इंग्लिश या स्कॉटिश उपदेशक को नियुक्त करना चाहिए जिसका काम वहां के लोगों को उपदेश देना हो तथा वह प्रशासन को गांव की स्थिति के बारे में बता सकता है उन्होंने मेरिट के आधार पर सभी जातियों के विद्यार्थियों को निशुल्क शिक्षा देने का समर्थन किया और ये जो स्कॉटिश या इंग्लिश उपदेशक रखने की बात है वह उनकी जो गांव में प्रभुत्वशाली तबके थे विशेष रूप से जो ब्राह्मण जो थे उनके प्रति अविश्वास को भी दिखाता है और वो ये चाहते हैं कि जो ये स्कॉटिस या इंग्लिश उपदेशक हों वो लोगों तक बाइबल की शिक्षाओं को भी पहुँचा सकते हैं वो लोगों तक आधुनिक सोच को ही पहुंचा सकते हैं वो जो समाज के विभिन्न तबके हैं उन तक ऐसे विचारों को पहुंचा सकते हैं जहाँ जिससे कि ब्राह्मणवादी उपनिवेशवाद के हिमायतियों के विचारों पर चोट पहुंचे। तो इस लिहाज से वो ये चाहते हैं कि और ज़्यादा गहरे स्तर पर पेनिट्रेशन हो उपनिवेशवादी शासन का और उसके प्रतिनिधियों का अलग अलग गाँवों पर लेकिन इसके साथ ही वो शिक्षा के माध्यम से भी चाहते हैं कि एक चेतना का प्रसार हो और वो ये कहते हैं कि ऐसे स्कूलों की स्थापना होनी चाहिए जिसमें कि हर कोई शिक्षा हासिल कर सके उन्होंने अंग्रेजों से आग्रह किया कि और यह भी अपने आप में एक बहुत रेडिकल विचार है कि सभी जातियों के लोगों को जनसंख्या में उनकी अनुपात के आधार पर प्रशासन में हिस्सेदारी मिले इसका मतलब यही है कि आ, ये एक ऐसा साधन बने जिससे कि प्रशासन जो कि सत्ता के प्रयोग का कार्यक्रमों को लागू करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है उस पर उसमें सिर्फ कुछ जातियों के लोगों का वर्चस्व ना हो और फूले की जो यह मांग थी वह उनकी समझ से ही निकली थी कि ब्राह्मणों ने अंग्रेजों के प्रशासन में ठीक ठाक कब्जा कर लिया है तो वो ये कहते हैं कि आप सभी जातियों के लोगों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रशासन में मौका दीजिए हिस्सेदारी दीजिए और उन्हें यह विश्वास था कि ऐसा होने से काफ़ी गहरा परिवर्तन हो सकता है और अगर हम इस विचार को समकालीन समय में यानी कि मौजूदा भारत में लागू करें तब भी इसके काफ़ी रेडिकल परिणाम सामने आ सकते हैं और एक स्तर पर जो एक पूरा डायवर्सिटी का प्रिंसिपल अमेरिका में अपनाया गया आ, उसकी बुनियाद फुले की इन विचारों में भी दिखती है जहां वो यह मांग करते हैं कि अलग अलग जो भी जातियां हैं उन्हें जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए उन्होंने यह भी कहा कि अवकाश प्राप्ति के बाद यूरोपियन कलेक्टरों को की नियुक्ति गांवों में होनी चाहिए उनका काम ब्राह्मणों के काम पर नज़र रखना होना चाहिए तथा ऐसे कलेक्टरों को पेंशन दिया जाना चाहिए तो एक तरीके से वो ये चाहते हैं कि गांवों में अंग्रेजों का दखल बढ़े और तभी जो ब्राह्मण जो कि एक तरीके से निरंकुश सत्ता का उपयोग कर रहे हैं सामाजिक स्तर पर धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से उनकी भूमिका पर रोक लगे और सत्यशोधक समाज के माध्यम से उन्होंने कर्मकांडी कार्यों में ब्राह्मणों की भूमिका पर को खत्म करने का प्रयास किया और यह ब्राह्मणों के वर्चस्व का एक बहुत बड़ा साधन रहा है उनके विशेषाधिकार का एक बहुत बड़ा साधन रहा है कि समाज के सभी लोग यह चाहते हैं कि उनके घर में अगर कोई ख़ासतौर पर अगर वो हिंदू धर्म को मानते हैं तो आ, कि अगर उनके घर में कोई पूजा पाठ हो रहा है तो उसमें ब्राह्मण पुजारी के रूप में आए पूजा करें और ऐसे ही विवाह को या पूजा पाठ को सामाजिक मान्यता मिलती रही है फूले इस बात पर जोर देते हैं कि जो गैर ब्राह्मण पुजारी हैं उन्हें भी प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और उन्हें भी इस तरह के काम में लगाया जाना चाहिए दक्षिण में पेरियार ने भी इसी तरह की कोशिश की और बाद के समय में यह विचार जो समाज के जो पिछड़े तबके के, के नेता हैं उनको काफ़ी आकर्षक भी लगता रहा हालांकि यह किस सीमा तक सफल हो पाया यह एक अलग अध्ययन का विषय है लेकिन नब्बे के दशक के आरंभ में जो समाजवादी नेता थे जब उन्हें बिहार में सत्ता मिली तो कुछ समय के लिए उन्होंने इस बात पर जोर देना शुरू किया कि दलित पुजारी होने चाहिए उसी तरीके से तमिलनाडु में इस तरह की कोशिशें की जाती हैं और अभी जो डीएमके की सरकार है जिसमें कि स्टालिन मुख्यमंत्री हैं उन्होंने गैर ब्राह्मण पुजारियों की बात को स्वीकार किया है लेकिन बहुत आमूलचुल परिवर्तन अगर हमें इस स्तर पर नहीं दिखता है तब भी वैचारिक स्तर पर यह एक बहुत ही आकर्षक विचार के रूप में सामने आता है कि जो धार्मिक कर्मकांड जो धार्मिक विशेषाधिकार ब्राह्मणों की विशेष स्थिति का निर्माण करते हैं उन्हें विशेष आर्थिक सामाजिक और धार्मिक हैसियत प्रदान करते हैं उन पर चोट की जाए और उस काम में जो गैर ब्राह्मण लोग हैं उन्हें भी प्रशिक्षित किया जाए और उन्हें भी मौका दिया जाए तो इस रूप में हम यह कह सकते हैं कि जो ज्योतिबा फुले का जो पूरा एजेंडा है उसमें वो आ, मुक्ति के रास्ते के रूप में यह चाहते हैं कि शुद्र और अतिशुद्र जातियाँ उपनिवेशवाद का अच्छे तरीके से उपयोग करें वे उपनिवेशी शासकों से यह मांग करते हैं कि वे आ, जमीनी स्तर तक अपने प्रशासकों को भेजें वो अंग्रेजों पर ज़्यादा भरोसा जताते हैं वे चाहते हैं कि अंग्रेज अपने प्रतिनिधियों को और वो प्रतिनिधि अंग्रेज ही होने चाहिए अंग्रेज कलेक्टर होने चाहिए या स्कॉटिश प्रचारक होने चाहिए उन्हें गांवों तक भेजें और इस बात पर नज़र रखें कि सारे कार्यक्रम सही तरीके से हो रहे हैं लागू हो रहे हैं जो ब्राह्मण हैं वो कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हैं या फिर लोगों को भड़का तो नहीं रहे हैं और इसके अलावा उन्होंने यह कहा कि जो भी जातियां हैं उनको उनकी जनसंख्या के हिसाब से प्रशासन में मौका मिले और उन्होंने ब्राह्मणों की अधिकार वाली जो पूजा की परंपरा है उसको भी प्रश्नांकित किया और उसमें गैर ब्राह्मणों को बढ़ाने की बात की तो इस लिहाज से वो एक पूरा मुक्ति का एक जो पूरा मॉडल है वो प्रस्तुत करते हैं इसके बाद फुले शिक्षा पर काफ़ी जोर देते हैं उसके एक पहलू का पीछे मैंने वर्णन किया है लेकिन अगर हम फुले और फुले दंपत्ति यानी कि ज्योतिबा फुले और सावित्री फुले के जीवन को देखें तो उसमें शिक्षा का प्रसार एक महत्वपूर्ण लक्ष्य के रूप में सामने आता है उन्होंने लगातार ये कोशिश की कि समाज में शिक्षा का प्रसार हो फुले मानते हैं कि निम्न जातियों की दुरावस्था का मुख्य कारण यह है कि ब्राह्मणों ने उन्हें शिक्षा हासिल करने का अवसर नहीं दिया अपनी आर्थिक दुर्दशा के कारण अधिकांश पिछड़े वर्ग के लोग शिक्षा हासिल नहीं कर पाए इनमें जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी उन्होंने भी ब्राह्मणों के कहने पर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेजा शिक्षा ही निम्न जातियों की मुक्ति का रास्ता है यह बात ज्योतिबा फुले कहते हैं वे सभी तरह की बुराइयों को खत्म करने के लिए इसे एक माध्यम के रूप में देखते हैं उन्होंने समावेशी शिक्षा व्यवस्था अपनाने पर बल दिया उन्होंने यह दिखाया कि ब्राह्मणों की शक्तियों का स्रोत ज्ञान और ज्ञान व्यवस्था पर उनका अधिक एक है जो पूरी से समाज पर उनके नियंत्रण को सुनिश्चित करता है वे यह भी रेखांकित करते हैं कि औपनिवेशिक समय में जनसंख्या के अनुपात में स्कूलों की संख्या काफ़ी कम है जो स्कूल हैं उन पर भी ब्राह्मणों ने अपना वर्चस्व कायम रखा है वे शूद्रों और अतिशूद्रों के बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं तो इस लिहाज से फुले शिक्षा को एक ऐसा माध्यम मानते हैं जिसके द्वारा ब्राह्मणवादी उपनिवेश का खात्मा किया जा सकता है और अगर शिक्षा में जो आ, शुद्र और अतिशुद्र समूह हैं उनकी स्थिति बुरी है तो इसका कारण यह है कि उनकी आर्थिक स्थिति भी बुरी है और दूसरा ये कि पूरी शिक्षा व्यवस्था पर ब्राह्मणों का कब्जा है जिसके कारण से फुले यह कहते हैं कि वे लोग जो शुद्र जातियों के लोग हैं पहले तो वैचारिक स्तर पर ही उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि उनका काम कुछ और है और वो उस काम पर ध्यान दें और फिर भी अगर आ, कोई अपने बच्चों को स्कूल भेजने की हिम्मत करता है तो वो उसे पढ़ाते नहीं हैं इस लिहाज इससे उनका जोर इस बात पर है कि जो शिक्षण का काम है उसमें गैर ब्राह्मणों की भूमिका बढ़े इसके अलावा ये मानते हैं कि स्कूलों की संख्या बहुत कम है तो स्कूलों की संख्या को भी बढ़ाए जाने की ज़रूरत पर वो बल देते हैं उन्होंने औपनिवेशिक शासन द्वारा रैयत श्रमिकों से प्राप्त होने वाले राजस्व से उच्चतर शिक्षा पर खर्च करने की या ज़्यादा खर्च करने की आलोचना की यह भी उनके विचारों का एक महत्वपूर्ण आयाम है क्योंकि वो उच्चतर शिक्षा से ज़्यादा प्राथमिक शिक्षा पर जोर देना चाहते हैं उनका यह कहना है कि इस काम के लिए जो निम्न जाति के शिक्षक हैं उन्हें प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और उन्हें नौकरी दी जानी चाहिए अब उनका जो उच्चतर शिक्षा पर ज़्यादा खर्च करने का विरोध है उसका मुख्य कारण यह है कि फुले को यह लगता है कि जो शुद्र और अतुशुद्र समूह हैं वो तो अभी तक प्राथमिक शिक्षा तक नहीं पहुंच पाए हैं तो जो ये उच्चतर शिक्षा है वो बहुत ही एक स्पेशलाइज नॉलेज की तरफ ले जाता है जिस पर कि ब्राह्मणों का एकाधिपत्य है तो एक तो उन्हें यह बात बहुत न्यायोचित नहीं लगती है कि समाज का एक बड़ा तबका बिल्कुल ही अशिक्षित है और आप उसको शिक्षा देने के बजाय एक बहुत ही छोटे समूह को आप और ज़्यादा संसाधन देकर उच्चतर शिक्षा दिए जा रहे हैं तो इसलिए वो ये कहते हैं कि शूद्रों और अतिशूद्रो की भलाई इसी में है कि जो प्राथमिक शिक्षा है उसका ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार हो और दूसरा जैसे मैंने पहले उल्लेख किया कि वो ब्राह्मणों पर और ब्राह्मण शिक्षकों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं इसलिए वो इस बात पर जोर देते हैं कि जो प्राथमिक शिक्षा का काम है उसके लिए जो पिछड़े समूह हैं उनके शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाए और उन्हें इस काम में लगाया जाए तो ये एक आ, ऐसा मॉडल है जहाँ पर उनका ये मानना है कि शिक्षा ही मुक्ति का रास्ता हो सकती है और इसमें इस शिक्षा के माध्यम से वो प्रशासनिक स्तर पर पिछड़े समूहों को ले जाना चाहते हैं लेकिन इसके साथ साथ उन्हें वो इतना ज्ञान देना चाहते हैं ज्ञान के इस स्तर तक उन्हें ले जाना चाहते हैं कि वो इस बात को समझ पाए कि एक ब्राह्मणवादी उपनिवेशवाद है ब्राह्मणवादी व्यवस्था है जिसने उन्हें दास बना कर रखा है और यह समझने का और इसका प्रतिरोध करने का एक मात्र या सबसे महत्वपूर्ण रास्ता ज्योतिबा फुले के हिसाब से शिक्षा ही है इसलिए वो शिक्षा पर जोर देते हैं एक अन्य महत्वपूर्ण आयाम जो ज्योतिबा फुले के विचारों का है वह जेंडर न्याय से संबंधित है फुले के विचारों में जेंडर न्याय का प्रमुख स्थान है उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खोला इसमें उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की फुले ने गर्भवती ब्राह्मण विधवा महिलाओं के लिए एक गृह की भी स्थापना की जहां वे अपने अवैध बच्चों को जन्म दे सकती थीं। अक्सर ऐसे बच्चों को मार दिया जाता था या उन्हें त्याग दिया जाता था कुल मिलाकर उस समय स्थिति यह थी और अगर हम बाद में अगर पंडिता रमाबाई के विचारों को देखें तो वो भी इस बात पर ज़्यादा जोर देती हैं हालांकि इस बात को और ज़्यादा गहराई से समझने की जरूरत है कि क्या दूसरी जाति की महिलाओं की स्थिति ऐसी नहीं थी पर पंडिता रमाबाई और ज्योतिबा फुले दोनों के लेखन से यह बात सामने आती है कि जो उच्च जाति की और विशेष रूप से ब्राह्मण जाति की महिला स्त्रियाँ थीं उनकी स्थिति बहुत ही विकट होती थी क्योंकि जो धार्मिक नियंत्रण था उन पर बहुत ज़्यादा होता था और ऐसी स्थिति में आ, जब उन्हें वैधव्य प्राप्त करने के बाद यानी कि उनके पति के देहांत के बाद परिवार और समाज में एक सामान्य इंसान के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता था तो कई बार वो वे घरों से निकल जाती थी या कई बार उनके पास कोई साधन नहीं होता था और सामाजिक स्तर पर आ, इसका एक नतीजा यह भी होता था कि कई बार उन्हें वो गर्भवती हो जाती थी और ऐसी स्थिति में जो बच्चे होते थे या तो उन्हें जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता था या फिर उन्हें त्याग दिया जाता था तो ज्योतिबा फुले इस समस्या का उल्लेख करते हैं और इस समस्या का उल्लेख करते हुए उन्होंने ब्राह्मण विधवाओं के लिए एक विशेष सदन की भी व्यवस्था की और उन्होंने एक ऐसे ही ब्राह्मण विधवा द्वारा जन्म दिए गए बच्चे को गोद लिया और अपने घर में अपने पुत्र के रूप में उसका पालन पोषण किया उन्होंने ब्राह्मणों द्वारा विधवा महिलाओं के सिर के बाल साफ कर देने की प्रथा का विरोध किया उन्होंने विधवा पुनर्विवाह की भी वकालत की जब ताराबाई शिंदे और पंडिता रामाबाई को जेंडर संबंधी अपने विचारों के कारण सार्वजनिक निंदा का सामना करना पड़ा तो फूले ने उनका साथ दिया उनका पक्ष लिया असल भी जो निंदा हो रही थी वो ताराबाई शिंदे और पंडिता रामाबाई की वो इसलिए भी हो रही थी क्योंकि वो उस समय के समाज में जो स्वीकृत मानक थे उन मानकों से अलग हटकर अपने विचारों को रख रही थी और खुद ज्योतिबा फुले भी वही काम कर रहे थे ज्योतिबा फुले भी बहुत ज़ोरदार तरीके से विधवा पुनर्विवाह का समर्थन कर रहे थे जिसे ऐसे ही लोगों के प्रयासों के कारण धीरे 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 करके समाज में स्वीकार किया जाने लगा था और ये जो लोग थे जो दूसरे अन्य कई तरह की कुरीतियाँ थीं उनके खिलाफ लगातार बोल रहे थे और इसके कारण से एक निंदा की स्थिति पैदा हो गई थी तो ज्योतिबा फुले ने न सिर्फ साहस के साथ अपने काम को आगे बढ़ाया और अपने विचारों को खुलकर सामने रखा बल्कि उन्होंने ताराबाई शिंदे और रमा पंडिता रमाबाई जैसे विदुषी महिलाओं का या संघर्षशील महिलाओं का समर्थन भी दिया ज्योतिबा फुले ने महिलाओं की स्थिति को शूद्रों और अतिशूद्रों के बराबर माना यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है फुले का क्योंकि वे कहते हैं कि सभी महिलाएं ब्राह्मणवादी संस्कृति से पीड़ित हैं तथा उनकी स्थिति निम्न जातियों और अस्पृश्य लोगों की तरह ही है महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने महिलाओं का जाति के आधार पर वर्गीकरण करने का पक्ष नहीं लिया उनका मानना था कि इन्हें भी शूद्रों और अतिशूद्रों की तरह शिक्षा से वंचित रखा गया है वे गर्भपात और शिशु हत्या जैसी बुराइयों के लिए मनुस्मृति को जिम्मेदार मानते हैं यहाँ जो आ, महिलाओं को एक पूरी कैटेगरी के, के रूप में देखने की बात है आ, उस संदर्भ में बाद के समय में हम यह देखते हैं कि जो पिछड़े समूहों के आ, विद्वान या नेता हैं उन्होंने ऐसे विचारों को स्वीकार नहीं किया तो फुले यह कहते हैं कि एक महिला चाहे वो ब्राह्मण जाति की हो चाहे वो किसी पिछड़ी जाति की हो वो एक महिला के रूप में हमेशा ही शुद्र और जो अति शूद्र होते हैं उन्हीं की तरह निम्न स्थिति में है तो उन्हें एक श्रेणी के रूप में देखा जाना चाहिए लेकिन अगर हम हाल फिलहाल के दशकों में देखें कि जब हमारे देश में महिला आरक्षण को लेकर एक वाद विवाद शुरू हुआ तो उसमें जो पिछड़ी जाति के नेता थे जो संसद सदस्य थे और बहुत सारे विद्वानों ने इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं को जो संसद में जो आरक्षण या विधायिका में जो आरक्षण देने की बात हो रही है उसमें जो पिछड़ी जाति के महिलाएं हैं उनके लिए भी अलग से एक सब कैटेगरी होनी चाहिए और यह जो मांग है आ, उस मांग के पक्ष में आ, बहुत ही जोरदार तरीके से यही बात कही जाती रही है कि आप सभी महिलाओं को एक श्रेणी में नहीं रख सकते हैं जो शहर में रहने वाली महिला है उसकी स्थिति गांव में रहने वाली महिला से अलग होगी जो उच्च जाति की महिला है उसकी स्थिति निम्न जाति की, की महिला से अलग होगी जो उच्च जाति की महिला अशिक्षित है और गांव में है उसकी स्थिति पिछड़े जाति की महिला से अलग होगी ये एक अलग संदर्भ में भी कहा जाता है कुल मिलाकर मोटे तौर पर तर्क ये आता है कि आप महिलाओं को सिर्फ एक श्रेणी कहकर चीज़ों को नहीं समझ सकते हैं तो मैं सिर्फ़ इस बात का उल्लेख इस बात आ, को इंगित करने के लिए इस बात को दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि ज्योतिबा फुले ने एक समय पर जो विचार रखे वो काफ़ी महत्वपूर्ण थे लेकिन बाद में भी उन विचारों पर काफ़ी वाद विवाद हुआ और उसमें अलग अलग तरह की धाराएं उभर कर सामने आईं और इससे एक यह भी आ, बात सामने आती है कि कई बातें जो ज्योतिबा फुले ने कही वो बाद में भी जो वंचित समूहों का संघर्ष है उनका जो आंदोलन है उसमें वाद विवाद का विषय बनी रही और सबसे बड़ी बात यह भी है कि उन्होंने भी मनुस्मृति को प्रश्नांकित किया और उसमें गर्भपात शिशु हत्या जैसी जो समस्याएं उस समय के समाज में थीं उसके लिए मनुस्मृति को उन्होंने जिम्मेदार माना उन्होंने महिलाओं के लिए भी ज्ञान और शिक्षा को मुक्ति का रास्ता माना वे परिवार को सामाजिक संगठन का केंद्र और समाज में दमन का केंद्र दोनों ही मानते थे उन्होंने परिवार और विवाह व्यवस्था में सुधार का समर्थन किया वे पुरुषों और महिलाओं के लिए समान मानव अधिकारों की बात करते थे परिवार को सामाजिक संगठन का केंद्र मानने के साथ साथ आ, समाज में दमन का केंद्र मानना भी अपने आप में एक रेडिकल विचार की ओर ही दिखाता है क्योंकि बाद के समय में परिवार के भीतर सुधार हो राष्ट्रीय आंदोलन के भीतर इस मुद्दे को आने में एक लंबा समय लगा और आ, हमेशा ही यह माना जाता रहा कि जो परिवार है वो आ, हिंदुस्तान के लोगों के जीवन का एक आंतरिक हिस्सा है तो बाहर जो सुधार की बात हो रही है परिवार में सुधार करने की बात उस सीमा तक नहीं हुई लेकिन ज्योतिभा फूले ने बहुत ही जोरदार तरीके से यह दिखाया कि परिवार भी असल में एक दमन का केंद्र बन जाता है क्योंकि वहाँ महिलाओं के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता है उनके अधिकारों की उपेक्षा की जाती है पुरुष उन्हें आ, अपने बराबर नहीं मानते हैं बल्कि अपने दास के रूप में भी कई बार उनके साथ बर्ताव करते हैं और इसलिए यह इंगित करना भी ज्योतिबा फुले के विचारों के एक अनूठेपन को दिखाता है कि परिवार भी दमन का का एक केंद्र है और वहाँ पर उन्होंने सुधार की बात की और यहाँ उनके विचार काफ़ी हद तक पेरियार के विचारों से भी मेल खाते हैं और उन्होंने कहा कि पुरुषों और महिलाओं को के समान अधिकार होते हैं इसके बाद उन्होंने एक थियोलॉजी या धर्मशास्त्र की बात की जो कि समानता पर आधारित हो दक्षिण भारत में ब्राह्मण विरोधी आंदोलन चलाने वाले पेरियार के विपरीत फूले ईश्वर को मानते हैं अपनी थियोलॉजी के माध्यम से उन्होंने भगवान और लोगों के बीच ब्राह्मणों की मध्यस्थ वाली भूमिका को नकारा यानी कि वो मानते हैं कि सीधे तौर पर लोग भगवान तक जा सकते हैं तो इसमें कोई ब्राह्मण मध्यस्थ हो इसकी ज़रूरत नहीं है उनकी मृत्यु के बाद अठारह में उनकी किताब सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक प्रकाशित हुई फुले ने ईश्वर या सृजनकर्ता में अपनी आस्था के माध्यम से समानता का विचार प्रस्तुत किया उन्होंने यह प्रश्न किया कि यदि इंसानों को बनाने वाला व्यक्ति एक है तो फिर धर्म और राष्ट्र के नाम पर नफरत क्यों है फुले ने यह भी कहा कि, कि किसी भी धर्म ग्रंथ में सुसंगत सार्वभौमिक सत्य निहित नहीं है क्योंकि समय के साथ प्रभुत्वशाली तबकों ने इनमें अपने फायदे की बातें जोड़कर इन्हें विकृत बना दिया है उन्होंने इस तार्किक आधार पर स्वर्ग और नरक के विचार को खारिज किया कि किसी ने इन्हें देखा नहीं है फुले की थियोलॉजी या धर्मशास्त्र में सामाजिक न्याय और जेंडर न्याय का केंद्रीय स्थान है जिसके बारे में हम पीछे चर्चा कर चुके हैं वे कहते हैं कि मनुष्य अन्य सभी जीवों से उच्चतर है मनुष्यों में वे स्त्रियों को पुरुषों से उच्चतर मानते हैं क्योंकि वे बच्चों को जन्म देती हैं उनका लालन पालन करती हैं भरोसेमंद होती हैं और रिश्तों के लिए कुर्बानी देती हैं भारत के संदर्भ में उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था बनी है जो पुरुषों के पक्ष में है जो कि शोषक हैं और वासना से वशीभूत होते हैं उनके अनुसार ईश्वर या निर्माता ने आदमियों को सोचने की क्षमता दी है लेकिन वे अक्सर अपने लालच और वासना से वशीभूत होकर काम करते हैं होले पुरुषों में बहुविवाह की प्रवृत्ति की आलोचना करते हैं वे पुरुषों और स्त्रियों के बराबर मानवाधिकारों की वकालत करते हैं उन्होंने जाति आधारित असमानता और भेदभाव को भी पूरी तरीके से नकारा और इसके बारे में हम लोगों ने पीछे चर्चा की है वे यह भी मानते हैं कि प्रकृति या ईश्वर ने जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए हस्तक्षेप किया है इस संदर्भ में वे ईसाई धर्म और इस्लाम का उल्लेख करते हैं तो इस पहलू पर आगे जाने से पहले हम यह बात पूरी तरीके से समझ लें कि फूले एक ऐसे धर्मशास्त्र की वकालत करते हैं जिसमें कि या एक ऐसे धार्मिकता की वकालत करते हैं जिसमें कि पुरुषों और स्त्रियों का बराबरी का दर्जा हो जिसमें जाति जैसी कोई व्यवस्था ना हो और जिसमें किसी भी तरीके की असमानता और भेदभाव ना हो और इस लिहाज से वे सभी धर्म ग्रंथों की सीमाओं को भी रेखांकित करते हैं और यह कहते हैं कि सभी धर्म ग्रंथों में विकृति आई क्योंकि समय के साथ जो समाज के प्रभुत्वशाली तबके थे उन्होंने अपनी पसंद की बातें अपनी शक्ति को सुनिश्चित करने वाली बातें इनमें जोड़ दी इस्लाम और ईसाई धर्म के बारे में अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हुए फूले कहते हैं कि ईश्वर द्वारा एक ईश्वरवादी मुसलमानों को भारत में भेजा गया जो लोग जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं करते थे और ईश्वर ने जाति आधारित दास्ता से बचाने के लिए मुसलमानों को भेजा था उनके अनुसार मुसलमान तुरंत ही सुख सुविधाओं में डूब गए और उन्होंने ईश्वर को धोखा दिया इसके बाद ईश्वर ने आदिम अंग्रेजों को सभ्य बनाया तथा आर्यन ब्राह्मणों से शूद्रों और अतिशूद्रो को बचाने के लिए उन्हें भारत भेजा कुछ अंग्रेज पूरी गंभीरता से अपने जीसस जिसे फुले यशवंत कहते हैं की शिक्षाओं का पालन कर रहे हैं वे अप्राकृतिक दासता से शूद्रों और अतिशूद्रो को बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं इसलिए फुले यह मानते हैं कि भारत का अपने नियति द्वारा तय किया गया है और यह भारत में उच्च जाति व्यवस्था का उन्मूलन करेगा फुले की विचारों को अगर हम आलोचना की कसौटी पर कसें तो हम यह कह सकते हैं कि फुले कुछ हद तक औपनिवेशिक शासन की सीमाओं को समझने में असमर्थ रहें और वो यह नहीं समझ पाए कि औपनिवेशिक शासन आ, हो सकता है कि अनजाने में वो आ, भारत की पुरानी व्यवस्था में बदलाव भी कर रहा था पर उसका जो गहरा था वह ताकि अंग्रेज़ों के हितों के हिसाब से भारत के लोगों को नियंत्रित करना भारत के संसाधनों का दोहन करना और अपने विश्लेषण में फूले इस बात को पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर देते हैं और वे अंग्रेज़ों को एक पूर्ण मुक्तिदाता के रूप में मानते हैं हालांकि यह आलोचना करते हुए मैं यह भी स्वीकार करूंगा कि जो औपनिवेशिक शासन की फूले की व्याख्या थी उसमें निश्चित तौर पर जिस तरीके से उन्होंने उम्मीद जताई कि ब्राह्मणवादी उपनिवेशवाद या ब्राह्मणों के दमन से जो शुद्र और अतिशुद्र हैं उन्हें निकालने का मौका उपनिवेशवाद दे सकता है उसकी संभावना भी अंग्रेजों के शासन में बनी और उसमें फुले और बाद में डॉक्टर अंबेडकर जैसे चिंतकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई फुले की चिंतन की एक महत्वपूर्ण कमी यह भी है कि वो धार्मिक ग्रंथों का अपने राजनीतिक उद्देश्यों के अनुसार वर्णन करते हैं और कई बार ये सारे वर्णन तर्क से परे चले जाते हैं और यह कहा जा सकता है कि हर धार्मिक वर्णन में तर्क से परे जाने की गुंजाइश होती है लेकिन फुले जिस तरीके से टॉमस पेन के पूर्वजों को राजा बाली का संबंधी बता देते हैं जिस तरीके से वो जीसस को यशवंत कहते हैं जिस तरीके से वो कहते हैं कि जो बाली थे वो जीसस के पूर्वज थे तो ये एक पूरी की पूरी ऐसी व्याख्या है जिसको कि समझ पाना तर्क के आधार पर मुमकिन नहीं है लेकिन फिर इसे यह कहा जा सकता है कि शायद फुले की मुख्य कोशिश यह थी कि वो एक तरीके के मिथकीय वर्णन को सामने रखकर दूसरे तरह के मिथकों को नकारें जिनमें कि जाति के आधार पर भेदभाव को मान्यता प्रदान की गई है दूसरी या आखिरी बात मैं फुले की आलोचना के, के रूप में यह कहना चाहूँगा कि उन्होंने शुद्र और अतिशुद्र की श्रेणी की जो विविधता है उस पर ध्यान नहीं दिया उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि कैसे जिसे वो ब्राह्मणवादी उपनिवेशवाद कह रहे हैं उसमें सिर्फ़ ब्राह्मण ही एक जाति के रूप में शोषण करने का काम नहीं कर रही हैं बल्कि खुद शूद्रों और अतिशूद्रों के भीतर कई लेयर्स हैं और उन लेयर्स में शोषण की कई तरह की गुंजाइश या कई तरह की संभावना या कई तरह की हकीकतें मौजूद हैं इसके अलावा वो इस स्थिति को भी बहुत ज़्यादा स्पष्टता से नहीं रख पाते हैं कि ऐसी अगर एक व्यवस्था है तो उससे आगे बढ़ने का रास्ता क्या हो यानी कि वो एक तरीके से मानते हैं कि शुद्र और अतिशुद्र एक ऐसी बड़ी श्रेणियां हैं जिसमें सभी लोग अशिक्षित हैं जिसमें सभी लोग जो हैं वो सिर्फ ब्राह्मणवादी उपनिवेशवाद से पीड़ित हैं और अगर ब्राह्मणवादी उपनिवेशवाद को एक प्रवृत्ति के रूप में माना जाए जो कि फूले के लेखन में कई बार वो सीमा रेखा धुंधली हो जाती है जहाँ ब्राह्मणवादी उपनिवेशवाद ब्राह्मणों के उपनिवेशवाद का पर्याय बन जाता है तो ऐसी स्थिति में वो दूसरे समूहों के भीतर इस प्रवृत्ति की मौजूदगी और उसके प्रतिरोध के तरीके के बारे में कोई विचार प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं लेकिन फिर भी हमें यह याद रखने की जरूरत है कि मौजूदा समय की राजनीति में जो पिछड़ों की उभार की परिघटना हम देखते हैं उसमें फूले जैसे चिंतकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और ज्योतिबा फुले आज भी जो नए दौर के क्रांतिकारी सोच रखने वाले युवा हैं जो शूद्र या अति शूद्र या अन्य समूहों से आते हैं उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं उन्होंने बहुत गहरे स्तर पर जाकर इन सभी जो धार्मिक बातें थी उनको प्रश्नांकित किया जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जिन कुछ गुरुओं की पहचान की उसमें ज्योतिबा फुले एक महत्वपूर्ण शख्सियत हैं और वो एक ऐसे व्यक्ति के रूप में सामने आते हैं जिन्हें जिन्होंने अपने समय की समाज की बुराइयों को समझा और उन्हें दूर करने के लिए लगातार काम किया और ऐसा करते हुए कई बार वो जो एक मुख्य धारा का राष्ट्रीय आंदोलन विकसित हो रहा था उसकी आलोचना करते हुए या उसके विरोध में बातें करते हुए नजर आते हैं लेकिन उनकी जो चिंताएँ थीं और उन्होंने जो काम किया उसके माध्यम से उन्होंने समाज के सबसे वंचित वर्गों के भीतर चेतना लाने शिक्षा का प्रसार करने और स्त्रियों की स्थिति को मजबूत करने वाले विचार सामने रखे और उन कामों के माध्यम से उन्होंने एक आगे का रास्ता दिखाया कि समाज किस तरीके से एक समानता के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है समाज के वंचित और पिछड़े समूह कैसे समानता का अधिकार हासिल कर सकते हैं ज्योतिबा फुले की इस चर्चा को मैं यहीं विराम दूंगा ज्योतिबा फुले से संबंधित इस चर्चा के बाद मेरी आ, उम्मीद यही है कि आपको उनके विचारों और उनके जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में जानकारी आपको मिल मिली होगी और आप आगे इस विषय पर और ज़्यादा गहराई से अध्ययन करेंगे तो इस चर्चा को हम यही विराम देते हैं नमस्कार